हाँ दवाई मैंने खा ली तो ये हम पहनाने वाले ताज। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह होने वाला है कि रात से ही गोनू के पेट में बहुत दर्द था, तो उसने मुझे कहा कि मम्मी पेट दर्द हो रहा है, तो मैंने पेट दर्द की दवाई दे दी। बस सारी रात पेट में दर्द होता रहा, तो अब सुबह वो पायल के साथ गई है दवाई लेने डॉक्टर के पास, और मैं ऊपर बैठी हूँ उन्हीं की वेट कर रही हूँ कि वो बच्चे आए तो पता चले कि पेट दर्द किस वजह से हो रहा था। दो तीन दिन से अरमान जी के जो यूट्यूब का अकाउंट है उसमें प्रॉब्लम आ गई। अब रात को पायल ने बताया 12 बजे कि उसका भी इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो बंद हो गया है। पता नहीं क्या हो रहा है बच्चों के साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी गोलू की तबीयत ठीक नहीं है, गोलू डॉक्टर के पास गई है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। गोलू चली गई थी तो मैंने कहा चलो मैं आके चाय पी लेती हूँ। तो क्या बनाया आपने? राजमा चावल बनने जा रहे हैं। अच्छा राजमा बनाए हैं, चलो अब चावल बनाओगे साथ? थोड़े चिकू भरे। अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरे को चाय बना देना, थोड़ी सी मैं चाय पी लेती हूँ। तो बस ऐसे ही चाय दे दो, एक अद्धा कोई रस दे दो साथ में, बच्चे आएंगे फिर बाद में रोटी खा लेंगे। गोलू। हाँ मम्मी। हाँ मैं, तू थोड़ी देर रेस्ट कर ले। हाँ। तो मैं नीचे चीना पास जा रही हूँ। ठीक है, आपने खाना वाना खा लिया ना? हाँ मैंने खा लिया, नाश्ता कर लिया। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कहा तू थोड़ा रेस्ट कर। हाँ। तो मैं भी थोड़ी देर में आ रही हूँ। दवाई खा ली तूने? हाँ दवाई मैंने खा ली थी, अब तो सही है पेट बिल्कुल। आंटी को बोलता खिचड़ी के लिए खिचड़ी खा रही हूँ। अच्छा, आप भी अपने थोड़ी देर रेस्ट करो, चाय पी लो। हाँ पी ली सुबह, चाय पी ली। चलो ठीक है फिर, आप भी थोड़ी देर रेस्ट कर लो ना। हाँ मैं चीना पास जा रही हूँ। ठीक है हाँ ठीक है, उसको देखो जाके। ठीक है। तो गाइस आज मैं मम्मी को देने वाला हूँ जबरदस्त वाला चैलेंज, तो आप बिल्कुल भी हंसना मत। गोलू पायल वो कैप का मम्मी कल पहना ले। पापा आज सुबह की मम्मी कहाँ जाएगा भाई? खाने खा लूंगा कुछ। पहले खाना खा ले, ये खाना खा, यही पॉकेट मनी है, यही पॉकेट मनी होती है बेटी, खा ले। ठीक है पहले से मिली हुई थी, दिखा 50 रुपए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतने पैसे एक साथ। तो गाइस अभी मम्मी को ये हम पहनाने वाले ताज, पायल पहना दे। तो मम्मी ये पूरे दिन रखना आज आपको, ठीक है? और आप तो माशाल्लाह लग रही हो। टाइट है ये तो? नहीं टाइट नहीं है, उनको मैं सेट करती हूं। अरे जबरदस्त सा सेट कर दे पायल, और लुक चेक करा दे मम्मी का कैसा होगा। मम्मी गोरी है ना, मम्मी पे अच्छी लगी। मम्मी दिखाओ, पूरे सिर पे भी नहीं आ रहा है। सही लग रहे हो मम्मी, सही लग रहे हो, दिखाओ दिखाओ। ओहो क्या बात है मम्मी, आप पता कैसे लग रहे हो? मोटू पतलू नहीं आता है उसमें, तो मोटू होता है वो, क्योंकि पतलू तो गंजा होता है। वाह भाई वाह, ये देख लो मुझे कैसे बना दिया ये लोग, आप तो बने रहते हैं। अच्छे लग रहे हो, आज पूरा दिन नहीं उतारना यही पहन के ब्लॉग बना। ये ऐसे बुढ़ापे में अच्छा लगता है, पूरा ब्लॉग यही पहन के बनेगा आज। ठीक है क्यों, ये चैलेंज है? चैलेंज है ये। ठीक है ठीक है चलो ठीक है। आप पे सूट कर रही है। चिकू नानी कैसी लग रही है बता दे? मोटू पतलू और क्या, वैसे लग रहे हो। ये क्या बने हुए हो? ये मुझे चैलेंज मिला है। किससे? तेरे जीजू से, कि आज सुबह से लेके रात तक आपने ऐसे ही पहनना है, और पूरे ब्लॉग में ऐसे ही पहनना है, मुझे पूरा सारा दिन ऐसे ही बने रहना है, उतारना नहीं है। उन्होंने ही पहनाया वही उतारेंगे रात को। टोपू? हाँ रात को 12 बजे। ओके टोपू। आपने हाथ नहीं लगाना है इसको। अब पता है मैं कितनी मुश्किल से आई हूँ, लिफ्ट से ऊपर 8 फ्लोर से नीचे आ रही थी, 3 लड़के खड़े थे लिफ्ट के अंदर मुझे देख रहे थे। इतना बुरा लग रहा था, पर मैं क्या करूँ, वो कहते चैलेंज है आपको ये पूरा करना। सही है। सही लग रही हो? हाँ हाँ। है? हाँ। गंदा लग रहा है ना? नहीं अच्छा लग रहा है, उम्र के हिसाब से है ना। अच्छे हो। गोलू को तो जस्ता है, मुझे नहीं जस्ता ना। अरे सही लग रहा है। सही लग राजा, मम्मी देख रहे राजा आपको कैसे भोंक रहा है। राजा मम्मा नहीं आ रही पहचान में, ये देख ले मेरी रेशमी जुल्फे। राजा आज राजा मुझे पहचाना नहीं, मैं चीना की मम्मी, नहीं पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा, पहचान गया हूँ, पहचान गया, पहचान गया, उठाने से पहचान है। तो मम्मा यहाँ पे बना रही है अचार पायल दीदी के लिए, और पायल दीदी अपने सैलेड की तैयारी कर रही है। मैं अपना सैलेड बना रही हूँ, इनका और मेरा सैलेड। तो मम्मा लाइए मेरे राजमा चावल, एंड में बचे ही इतने हैं, चलो मैं खाती हूँ ये। मम्मी आप खाना खा लिया?
तो एक काम करो, अभी रोशनी है क्योंकि अब दिन लंबे हो रहे हैं ना। पहले तो दिन छोटे थे तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता था, पर अब दिन लंबे हो रहे हैं तो ये विग पहन के तो रहोगे लोग होंगे नीचे, तो एक ना राउंड मार कर चीना, तूने खाना भी खाया मुझे, तू भी चली जाओ। सोसाइटी तो बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया देखेगी, जुलूस निकलेगा मेरा। एक राउंड मार के आओ, अभी उतार, रात तक जब तक व्लॉग खत्म नहीं होता उतारने। नहीं नहीं नहीं, आपका चैलेंज है, आपको एक पहन के राउंड मार के आने। चलो फिर, चलो मार के भी मुझे बताना एक्सपीरियंस क्या रहा, ठीक है। तो शाम की चाय बन चुकी है और मेरी तबीयत पहले से थोड़ी सी बेटर है, क्योंकि मैंने रेस्ट किया था तो मेरे पेट में दर्द कम है। पेट में दर्द मेरा इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं बाहर का खाना खाती हूँ, तो हर किसी को बाहर का खाना सूट नहीं करता, तो उनमें से एक मैं हूँ जिसको सूट नहीं करता। तो मम्मी को देख के बहुत हंसी आ रही है मुझे। मम्मी शाम की चाय बन गई, चलो बाहर चलते पीते। आ जाओ, चलो आओ। चैलेंज कंप्लीट करने, आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए, अब मैं नीचे सोसाइटी में चक्कर काटने जा रही हूँ, बाय। आधे घंटे का टाइम है, ठीक। हंस रहे मम्मा, अभी नीचे सारे हंसेंगे, क्या फर्क पड़ता है, कल सारे ब्लॉग में हंसेंगे। तो पहले हम जिम चले मम्मी, पहले थोड़ा सा तेरे को जिम दिखा देती हूँ, मगर एक बार है जो आधे घंटे का मुझे टास्क मिला है। मैंने मम्मी इतना पतला सा ये पहना हुआ है, ठंड लग रही है। कोई बात नहीं, नीचे अभी धूप है। धूप है? हाँ है, अभी धूप है, अब दिन बड़े हो गए बेटे। धूप ये शर्बती पहले जिम पूछो गए कहाँ पे, एक बार पहले बताओ मम्मी, मम्मी कैसे लग रही है, कैसे लग रहे हैं, इनको टास्क मिला आज ऐसे घूमने का, सही लग रहा है? नहीं अभी सही लग रही हूँ, आज मुझे ऐसे घूमने है पूरी सोसाइटी, सही हूँ, हंसोगे तो नहीं, बताओ भैया कहाँ है। दोनों हाथ छोड़ना एक बार, छोड़ो नहीं, एक बार नहीं, खड़े हो जाओ इसके ऊपर। आ जाओ बस 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 आ जाओ, जिम चले, चलो बंद करें, टाइम लगेगा। बड़े दिनों बाद झूले खाए मैंने। कैसे टोपू, आपकी मम्मी थोड़ा हिल गया, आपको टोपू हिल गया। नहीं ठीक है। तो मम्मी आई है पहली बार जिम, थोड़ी घबराई हुई लग रही है मम्मा, थोड़ी घबरा, क्या हुआ आपको, थक गई, भारी है कि? अरे आज तक जिंदगी में मैंने साइकिल नहीं चलाई, कभी नहीं चलाई, नहीं पूरी लाइफ साइकिल नहीं चलाई। हाँ बचपन में मेरी माँ ने छोटी सी साइकिल दी, तो ये वाला पकड़ो, बड़े वाला, छोटा किसका हुआ था पता नहीं, आप वो कर लो, आप वो छोड़ दो इसको, उतर जाओ इससे, उतर जाओ, आप उस पे जाओ, मैं बताती हूँ, कहीं से नहीं पकड़ना, आगे तो जाओ, आप आगे जाओ, ये पीछे ही जाता है, क्या कर रहे हो मम्मा, थोड़ा ढंग से सीधा खड़े हो, रुको फास्ट करूँ थोड़ा सा, घबराए हुए हो, नहीं इतना मत करियो, रुको मैंने स्टॉप कर दिया, क्या करें, आगे जाओ मम्मा, यहां नहीं खड़ा होना होता, मैं दिखाऊं आपको, इधर आओ, उतरो, समझे, आप उधर मत करो, गिर जाओगे, ऐसा करो ना। क्या हुआ, मैं तो हर बंदा आता जाता है, देख मेरे को देखी जा रहा है, देखी जा रहा है, वो लेडीज भी मुझे देख रही है, उनको देखो आपको कैसे देख रहे हैं, पागल बना के मुझे रख दिया,
देखो देखो, ये मैं कैमरा इधर करती हूँ, मुंह घुमा लेते हैं। चलो टोपू, आंटी मम्मी कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है ना? चैलेंज मिला है आज, मुझे चैलेंज मिला है कि ये ऐसे पहन के बाल को पूरी सोसाइटी में घूमना है। फिर क्या है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बड़े अलग कोई हंसेंगे तो नहीं? हाँ नहीं, हंसेंगे तो चलो आ जाओ, आंटी ने बोल दिया, बोक किया। चलो तो आधा घंटा हो चुका है पूरा, अब हम जा रहे हैं वापस ऊपर। हाँ क्या करेंगे, आधे घंटे से ज्यादा नहीं घूमा जाता, हवा बहुत है, हवा बहुत ज्यादा ऊपर से जो लोग हंस रहे हैं वो। हाँ, अब आधे घंटे का टास्क मिला था, मैंने कर लिया गाइस पूरा। आपको आज व्लॉग में नहीं लिया इस ड्रेस में? कर लो नहीं हुआ, आप बना लो कोई बात की, कोई अच्छी सी वीडियो। आपकी टिकट बुक हो गई? एक ही दिन है। हाँ इनकी टिकट आज बुक हो गई। कब की? कल नहीं, इधर से 2 घंटे पहले हुआ, 4 घंटे उधर पहुँचाना। आपकी वो कब आ रही है जो शूटिंग खत्म करने के? नहीं कजिन कजिन ब्रदर कब आ रहे हैं? डिनर पे जा रही हूँ ना, कब जाओगी? अभी आ रहा है 10 मिनट में। चलो सही है। तो गाइस चीना को हो गया कोल्ड, मेरी भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, चीना की भी। हाँ वेदर चेंज में ऐसा हो जाता है कि कोल्ड हो जाता है, बट इसकी गलती है, इसने कल रात को ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ली थी फ्रिज से निकाल के, तो कोल्ड तो होना ही था, क्योंकि आता मौसम और जाता मौसम में हमेशा ऐसे होता है, ठंड आपको पकड़ती पकड़ती है, तो हमेशा ध्यान रखे, जो मौसम चेंज होता है ना तो अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो मौसम होता है ना इसके अंदर आपको सर्दी और जुकाम के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मुझे जो चैलेंज दिया था मैंने अपना सारा दिन एक्सेप्ट किया है, अब मैं चैनल को ख़त्म कर रही हूँ, और मैंने रात को ही अपना टोपा उतार दिया है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जो हमारे ब्लॉग का टाइम है सुबह 10 बजे का है, तो मैं जो है इस ब्लॉग का टाइम शाम को 5 बजे कर रही हूँ, तो अब जो कल ब्लॉग आएगा वो मतलब कि शाम को 5 बजे आएगा, तो आप अपना टाइम नोट कर लीजिए। और आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।